देखिए ये एक स्लम इलाका है जहाँ समाज के वो लोग रहते हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है। ये कोई डेवलप एरिया नहीं है, लेकिन एजुकेशन के लिए जो ये लोग बहरुल उलूम स्कूल जो बनाए लोगों ने, मैं इनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देने इसलिए आया कि इस इलाके में जो तालीम का काम कर रहे हैं लोग माशाल्लाह बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, और इसलिए हम सब जमा हुए आज यहाँ पर। इन्होंने ये अच्छी नई बिल्डिंग बनाया, नया लोगों को जमा किया, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़ी कुर्बानी दे करके इस मदरसे को बना रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई इमारत बनाने का पैसा नहीं मिलता, लेकिन इतनी लंबी रकम लोगों से जमा करके बनाना मैं समझता हूँ बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए हम आज यहाँ आए हैं कि आपको इनको अप्रिसिएशन करने के लिए कि आपने जो काम किया माशाल्लाह बहुत ही मुबारकबाद के काबिल है, और समाज में वो लोग सबसे ज़्यादा मुबारकबाद काबिल होते हैं जो लोग तालीम के लाइन में काम करते हैं। समाजवादी पार्टी इस वक्त एजुकेशन को जिस तरीके से इस मस्जिद के अंदर आप लोगों ने जोर दिया, तो पूरे गुवाहाटी में एजुकेशन के लिए क्या करने वाले हैं? कोशिश कर रहे हैं, देखिए सारे स्कूल जितने म्यूनसिपलिटी के थे सब नए बन गए, एक स्कूल बच्चा हुआ वो भी नया बनने जा रहा है और बहुत शानदार तरीके से बनने जा रहा है। हम लोग एजुकेशन पे, हमने यहाँ कॉलेज खोलने के लिए एप्लीकेशन की हुई है, उसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और तालीम के मामले में पूरी कोशिश हो रही है कि गोंडी का एक एक बच्चा तालीम याफ्ता बन जाए, और आपको खुशी होगी इसी गोंडी के रहने वाले बच्चे आज जो है ना आला तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ पायलट भी बन रहे हैं, यहाँ इंजीनियर भी बन रहे हैं, यहाँ डॉक्टर भी बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी खोल दी गई बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पे। और गोंडी में लाइब्रेरी को लेकर आपके खिलाफ एक बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है, लोग काम आपके खिलाफ कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है ना कि अपोजिशन का काम ही है, ये जिनको इलेक्शन लड़ना है वो कहेंगे अबू आसिम जिंदाबाद तो कैसे जीतेंगे बेचारे, वो उनको लड़ना है तो वो चाँद में भी दाग ढूंढ कर लाएंगे कि भाई अबू आसिम का हमने लाइब्रेरी बनाया है, लाइब्रेरी में पैसे लाखों रुपया खर्च हो रहा है, पैसे मिलते नहीं हैं, लोग सबको मदद करना चाहिए, हमने यहाँ पे स्किल सेंटर बनाया है लोगों को नौकरी देने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, अब उसमें जो है कुछ लोग जो हैं वो जो है उसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। सर इस वक्त जो है सरकार आपके खिलाफ काफ़ी कुछ जांच पड़ताल कर रही है, सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, तो उसको लेकर क्या? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, सब झूठ है, साँच को आँच क्या, हम जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। सर इलाके के अंदर नशे का ग्राफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, गुवाहाटी के अंदर जिस तरीके से आप भी हमेशा जोर देते हैं कि स्लम एरिया में, मैं यूँ कहूँ कि माइनॉरिटी इलाकों में जो है सरकार का पहले से ध्यान नहीं रहता है, इसको लेकर क्या करेंगे? इसके लिए बहुत सारी कमेटियाँ बनी, सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, महमूदुर रहमान कमेटी बनी, ये सब कमेटियों ने कहा कि जानबूझकर मुसलमानों के इलाके को निगलेक्ट किया जा रहा है, यहाँ तक कहा कि मुस्लिम इलाकों में पानी जो है बहुत कम दिया जाता है, मुसलमान को भर पेट पानी ना मिलने पाए, सड़क के दूसरी तरफ पानी आता है, इधर पानी नहीं आता, ये कहा गया कि दलितों से आदिवासियों से भी ज़्यादा कई इलाकों में मुसलमानों के हालात हैं ये, तो क्या आप क्या समझते हैं कि आपके हालात ये सरकार अच्छी करेगी? सरकार चाहती है कि आप ऐसी इसी तरह पड़े रहें, लेकिन हम सबको मिलजुल करके अपने हालात को ठीक करना है, हमें सिर्फ हम सरकार से सीधे चाहते हैं, हमें सरकार की कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, मदद तो हम अल्लाह से मांगेंगे, हमें इंसाफ चाहिए इस मुल्क के अंदर, हमारी ज़मीनें जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कब्रिस्तान को, मस्जिदों को और स्कूलों को, वक्फ यतीम खानों के लिए दिया ना, वो ज़मीनें जो हराम खोरी में लोगों ने कब्जा किया ना वो छोड़ दो, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हम इस मुल्क में बड़े बड़े कॉलेज खोल सकते हैं, हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं, अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं, हमें सरकारी कोई मदद नहीं चाहिए, मेरे बाप दादाओं की ज़मीन अगर मुझे मिल जाए ना मैं इस मुल्क में बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। जिस तरीके से देखा यह जाता है कि आप माइनॉरिटी की एक बुलंद आवाज़ हो, माइनॉरिटी के हर एक मुद्दे पर आप असेंबली से लेकर संसद तक समाजवादी पार्टी और आप इन तमाम मुद्दों को उठाते हो, तो क्या महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त जो मराठा आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन हो रहा है, उस तरीके का एक आंदोलन समाजवादी पार्टी भी लेगी, बड़ा और भव्य आंदोलन होने चाहिए, आंदोलन बड़ा होगा क्योंकि इस मुल्क में सीधे उंगली घी निकलती नहीं है। जब मराठा पट्टू जो MLA और खासदार बन के माइनॉरिटी के वोट्स पर बैठे हुए, वो लोग इस पर आवाज़ नहीं उठाते? देखिए हमारी सत्ता नहीं यहाँ पर है, अगर हमारी सत्ता होती तो हम जरूर सुधर लेते, हमारी सत्ता यूपी में है, समाजवादी पार्टी ने यूपी में जहाँ सत्ता उसकी थी 12 से 17 तक, वहाँ 85 कामों में मुसलमानों को 20% रिजर्वेशन दिया, 85 कामों में 20% रिजर्वेशन, हमारी सत्ता यहाँ नहीं है, हम आवाज़ उठा रहे हैं, अगर कम्युनिटी के लोग हमारे साथ खड़े हो जाए, जिस तरह से जब यहाँ कोई मजहबी जलसा होता है बहुत लोग जमा हो जाते हैं, जब ये अपना होता है ये सड़क पर जाते हैं उसमें नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर होता है,
लोग सड़कों पर आते हैं, पूरा सड़क जाम हो जाती है। इसी तरह से हमारी आवाज़ पर अगर लोग आ जाएं, जमा हो जाएं, तो सरकार को हम हिला दें, सरकार से मना लें। लेकिन क्या है ना कि फॉर्म के लोग जमा होते नहीं, इकट्ठा आते नहीं। जिसके पीछे भीड़ होती है, जिसके पीछे सर होता है, उसी की बात सुनी जाती है। सर, यूपी के अंदर मस्जिद से फिलिस्तीन के लिए दुआ करने पर भी बैन लगा दिया गया, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हलाल प्रोडक्ट का मामला भी चल रहा है यूपी के। ऐसा है कि जो इनके सबसे बड़े नेता थे, जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी फलस्तीन की आज़ादी की बात किया था। इसी मुल्क में अंग्रेज़ आया था ना, तो मुसलमानों ने, लाखों मुसलमानों ने शहादत का जाम पीकर अंग्रेज़ों को भगाया था। आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए फलस्तीन की। अब चूँकि हमारा मुसलमान वहाँ है, हमारी मस्जिद वहाँ है, उसकी आवाज़ अगर हमको नहीं उठाने दिया जाएगा, मैं समझता हूँ ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी फिरका परस्ती और ये नाइंसाफ़ी है। अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और जो है दूसरे मुल्कों में कहीं भी मंदिर पे हमला होता है, हिंदुओं पे हमला होता है, तो मेरे हिंदू भाई चीख पड़ते हैं, चिल्लाते हैं, मेरे मुसलमानों पे हमला हो रहा है, तो कोई माइक अलार्म मुझे रोक नहीं सकता। जो करना करो, लेकिन हम दुआ करेंगे उनके लिए, हम बददुआ करेंगे इसराइल के लिए जो जुल्म कर रहा है। इसराइल 1947 के पहले इसराइल नाम की कोई जगह नहीं थी, आज हमने अपने घर में जगह दिया। ये बिल्कुल दर बदर थे, हमारे घर में आकर बैठ के हमको निकालना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। पूरी दुनिया को खड़े होकर के फलस्तीन को आज़ाद करवाने का काम करना चाहिए, अगर इंसाफ इस दुनिया में है तो। समाज, बिहारी समाज की जो मस्जिद है, सारे ही लोग यहाँ पर जो है जुट करके मस्जिद को तामीर का काम करके आसिम भाई की आपके पीछे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो ख़ास तौर से इस इलाके के हरदिल अजीज आमदार और हम सब के कायद मोहतरम जनाब अबू आसिम आजमी साहब को बुलाने का मकसद ये था कि आसिम भाई के फंड से, आसिम भाई के पैसे से ही इस काम की शुरुआत हुई थी आज से 7-8 महीना पहले। और इस इलाके की जो साबिक नगर सेविका है, जिनका काम इस इलाके में बोलता है, मोहतरमा रुखसाना नाजिर सिद्दीकी साहिबा, उनकी ख़ास निगरानी इस मदरसे को हासिल है। तो मैं इंतज़ामिया कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर से आसिम भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इन पेशियों को, इन जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी है, इनकी हौसला अफजाई की। और मुस्तकबिल में जो मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने आसिम भाई से डिमांड किया है, रुखसाना नाजिम सिद्दीकी साहिबा से, वो मुझे उम्मीद है कि आसिम भाई उनको पूरा करेंगे और इस मदरसे के मुस्तकबिल के लिए, इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए आसिम भाई और रुखसाना नाजिम सिद्दीकी साहिबा हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सर, बिहारी समाज जो है पूरे मुंबई की आप जनरल सेक्रेटरी हैं, बाशिंदगान बिहार की, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अंजुमन बाशिंदगान बिहार मुंबई के जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से, मैं तो मुंबई में लाखों लोग हमारे मेम्बर हैं अंजुमन के, और मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि हम सब लोग मिल के रहें, एक रहें और हम अपनी ताकत को मजबूत करें। जब हम मजबूत रहेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, इख्तदार में भी हमारी बात सुनी जाएगी और सरकार भी हमारी बात सुनेगी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सब लोगों में इत्तेहाद पैदा होगा और उसके लिए कोशिश भी की जा रही है। मैम, क्या कहना चाहेंगे, वोट नंबर 136 में इतना अच्छा आगाज़ हुआ है, जो मदरसे का काम हुआ, एजुकेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, एक बहरुल उलूम है ये, जब मैं इलेक्शन जीती तो मैंने देखा था कि इसके हालात बहुत ज़्यादा खस्ता थे। यहाँ तक कि मैं अभी हकीमी साहब को बता रही थी कि जब यहाँ पर हम झंडा वंदन करने आते थे तो इसकी सीढ़ियाँ इतनी ख़राब थी कि ऐसा लगता था कि कभी भी ये गिर जाएगा। तो हम लोग कोशिश ये करते थे कि झंडा वंदन में भी बच्चों को कम बुलाया जाए, इतनी खस्ता हालात थी। लेकिन आज आप देखेंगे कि सबके ताउन से, खासकर मैं अबू आसिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि मैं ये मदरसा दिखाने के लिए जब लाई तो उन्होंने तुरंत बोला कि इसके लिए जो भी ताउन लगेगा मैं करूँगा, और इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे ज़िम्मेदार लोग हैं, सबके ताउन से मदरसा बना है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गवंडी अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि नशे का कारोबार ज़्यादा होता है। तो देखिए, नशे का कारोबार जब ही ख़त्म होगा, जब हमारे लोग खरीदेंगे नहीं, बेचने वाले भले बाहर के हो, लोकल हो, लेकिन हमारे बच्चे उसको ख़रीदना नहीं चाहिए। और जब वो नहीं ख़रीदेंगे, जब उनके अंदर एक एजुकेशन की बेदारी आएगी, और मुझे लगता है इसी तरीके से हर हलके के इलाके में, हर हलके में छोटे छोटे मदरसे खोल के बच्चों को एजुकेटेड किया जाए, ताकि वो अच्छे और बुरे के बुरे में फ़र्क जान सकें। जब वो अच्छाई और बुराई का फ़र्क जान सकेंगे तो कोई भी नशे की तरफ नहीं जाएगा। और जिस जैसे अभी अबू आसिम आजम साहब ने आपको बताया कि हमारा एक सेंटर खुला है, देखिए अक्सर बच्चे जब कुछ सीखे हुए नहीं रहते हैं, उनके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेस नहीं आते उनको, तो वो गलत जगह जाते हैं, गलत कामों में जाते हैं। लेकिन बच्चे सिलाई कढ़ाई बुनाई और प्लम्बिंग, ऐसे सारे हुनर जब उनके अंदर होंगे तो वो काम करके, काम धंधा करके अपना रोजी रोजगार करेंगे, अपना पेट पालेंगे, बल्कि ना कि ये कोई गलत कामों में वो जाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है, 100% स्लम है। और आप जैसे अभी आपने आसिम भाई से पूछा
कि यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इलाके को कई सालों से निगलेक्ट किया जा रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, जब उन्होंने 5% रिजर्वेशन दे दिया होता तो आज हमारी माइनॉरिटीज़ की ये हालत नहीं होती। लेकिन आज बीजेपी सरकार है, वो तो हमारी खुली दुश्मन है, इनसे तो हम लोगों को कुछ भी ताउन की हमें उम्मीद नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करें और ये कोशिश हम लोग जारी रखेंगे, और मुझे उम्मीद है इसी तरीके से इदारे कायम करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही पूरे बिहार के जितने बाशिंदगाना बिहार के लोग हैं उनसे एक ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपस की नाराज़गी बिल्कुल ख़त्म करके एक होकर चले, क्योंकि हमें फिर जोड़ने वाला कोई नहीं आएगा। और हमारे आपस का जब इंतजार होता है तो यकीन जानिए जो ये मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं उनका नुकसान होगा। तो हमारी आपसी रंजिशों को ख़त्म करके हम लोगों को एक होके इन बच्चों के लिए काम करना है। हमारी आने वाली पीढ़ी जनरेशन अच्छी हो इसका हम लोगों को इंतजाम मिलजुल के करना चाहिए। यही बोलकर मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, खासकर हमारी मीडिया का जो हमेशा हमारे गवंडी के मुद्दों पर इतना अच्छा काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा मामला ये है कि तालीम हमारे बच्चों के लिए लाजमी शय है। अगर तालीम की ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, आज टेक्नोलॉजी का मामला है। अबू आसिम साहब ने अभी जाते हुए मुझसे ये बात रखी कि कमेटी के ऊपर हमारा हाथ रहेगा। एजुकेशन के लिहाज से गवर्नमेंट का मामला हो या कोई मामला हो, आप मुझसे रब्ता कायम कीजिए। इंशाल्लाह जिस तरह से पहले काम हुआ आज भी काम होगा। 1982 में जब मैं आया था तो यहाँ के लड़के और लड़कियाँ सब अंगूठा टेक थी। आज अल्लाह का करम है कि हज़ारों हज़ार बच्चे ग्रेजुएट करके बाहर ममालिक में भी कमा रहे हैं और अच्छे अच्छे इंजीनियर डॉक्टर्स वर्सियर्स सब डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अदारे का जो तामीरी काम चालू है उसके ताल्लुक से लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से हम कहेंगे कि आइए हमसे जुड़ जाइए, अल्लाह के लिए आप दीजिए और कौम के बच्चों को संवारने के लिए एजुकेशन का एक बेहतरीन इमारत खड़ा की। गर्ल्स एजुकेशन को लेकर क्या कहेंगे, खासतौर पर इस्लामिक जो लोग होते हैं गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर क्या करेंगे? गर्ल्स एजुकेशन के मामले में मैं ख्वातीन के लिए एक अलग हाई स्कूल का क़याम करने जा रहा हूँ। और आप लोगों की मीडिया वालों की अगर हमें मजबूत ताबुन हो जाए कुर्बानी तो मैं चार चांद लगा। जब नई कमेटी आई 5/11/2022 को, कुछ टाइम से हम लोग नई कमेटी मिल गए, बहुत अच्छे से तामीरी काम को स्टार्ट किए और मस्जिद मदरसा स्कूल उसको बहुत आगे बुलंदी लेके गए और आगे भी है ना, बहुत ज़्यादा आगे काम होगी। हासिम भाई जो 10 लाख रुपए के ताउन दिए थे तो उन्होंने, अल्लाह का एहसान है, उन्होंने जो मटेरियल भेजा वो काम हर एक जगह अपनी जगह पर लगी है। जिस तरीके से आपका अदारा ये कर रहा है मस्जिद मदरसा और स्कूल, तो पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी इस चीज़ पर जोर देना चाहिए कि मदरसे के अलावा जो दुनियाई तालीम है एजुकेशन हासिल करना है उसके लिए बाकी अदारों को क्या मैसेज देंगे? मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये अदारा दुनियाई तालीम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, वैसा और भी अदारा है वो भी अदारा दुनियाई तालीम से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आवाम को तामीर के लिए क्या अपील करेंगे? आवाम के तामीर के लिए ये अपील करेंगे कि देखिए ये है ना 1989 से इदारा है, पुरानी जो कमेटी थी जो भी थी जो उस तरीके से काम नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग सब मिल के नई कमेटी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अल्लाह का एहसान है कि जितने भी पैसा या फंड आ रहा है तो अपनी अपनी जगह लग रहा है। और मैं आवाम को यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के इस इदारे के अंदर आप लोग हिस्सा लीजिए।